स्वागत है सभी व्यूअर्स का अपने चैनल कोरोना फिजिक्स में। मैं हूं भानु भदौरिया और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल कोरोना फिजिक्स, जहां आज हम लोग डिस्कस करेंगे कोलिजन का पार्ट टू। कोलिजन के प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल होती है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इन वन डायमेंशन इलास्टिक कोलिजन। यानी हम लोग यहाँ तक प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके थे कि अगर कोलिजन करने वाले पार्टिकल्स के मासेस m1 m2 हैं और बिफोर कोलिजन की वेलोसिटीज u1 u2 हैं, आफ्टर कोलिजन वेलोसिटीज v1 v2 हो, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का मतलब हो गया u1 माइनस u2 और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो गया v2 माइनस v1। यहां तक हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कोलिजन के डिस्कस किया। ठीक है, आज पढ़ते हैं हम लोग हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, मतलब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जिसे स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी सहायता से हम बता सकते हैं कि जो कोलिजन है वो कैसा है। ठीक है, यानी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है, स्मॉल ई से डिनोट करते हैं इसको, और स्मॉल ई इज इक्वल टू क्या होता है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सभी को बोर्ड दिख रहा होगा उम्मीद है, ठीक है, पूरा दिख रहा बोर्ड आपको। यानी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है वो स्मॉल ई इज इक्वल टू होगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है, v2 माइनस v1, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है, u1 माइनस u2। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हम यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब देखो इसकी सहायता से हम कैसे पता चलता है हमें कि कोलिजन इलास्टिक है, इन इलास्टिक है या पार्शियली इलास्टिक है। ठीक है, तो अगर e की वैल्यू यहाँ दिख रहा होगा सभी को, e की वैल्यू अगर 1 आ रही है तो हम कहेंगे कोलिजन कैसा है हमारा, इलास्टिक है। कोलिजन कैसा है, इलास्टिक है। और अगर e की वैल्यू 0 आएगी तो कोलिजन कैसा होगा, इन इलास्टिक होगा। और अगर e की वैल्यू हमारी क्या है, 0 से बड़ी है बट 1 से छोटी है, तो ये बताएगा कोलिजन कैसा है, पार्शियली इलास्टिक है या पार्शियली इन इलास्टिक है। ठीक है, नोट कर लीजिए बातें। ठीक है, सभी लोग नोट करते हुए चलेंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कैसे डिफाइन होता है और कब ये इलास्टिक होगा, कब इन इलास्टिक होगा, ये बात हम लोगों ने डिस्कस की। अब जो कोलिजन हो रहा था m1 m2 मासेस के पार्टिकल्स के बीच, और बिफोर कोलिजन वेलोसिटीज क्या थी, u1 u2 थी, और आफ्टर कोलिजन वेलोसिटीज क्या है, v1 v2 है। तो डायरेक्ट आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटीज v1 v2 है, इनके लिए फार्मूला हम निकालने जा रहे हैं। मतलब अगर आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और जो ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ये बातें नहीं ध्यान रहती हैं, भूल जाते हैं, तो आप सीधे सीधे क्या है, एक फार्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं कि अगर कोलिजन से पहले ये m1 मास है, इसकी वेलोसिटी u1 है, जो m2 मास का पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी u2 है, और आफ्टर कोलिजन जो है इनकी वेलोसिटी हमने कहा v1 हो गई, और m2 मास वाले पार्टिकल की वेलोसिटी v2 हो गई। तो ये जो v1 v2 है, इनके लिए डायरेक्ट फार्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं कि उस फार्मूले की हेल्प से v1 की वैल्यू कितनी होगी और v2 की वैल्यू कितनी होगी। v1 v2 का मतलब है आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, और v2 का मतलब है आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल। अगर इसको फर्स्ट पार्टिकल बोल दें, इसको सेकंड पार्टिकल। ठीक है, तो क्या करें, देखो एक इक्वेशन तो यही है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ये कैसे आती है, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है, वो आप कोरोना फिजिक्स चैनल पे जा करके देख सकते हैं। ठीक, ये BSc 1 की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ाता है कि मोमेंटम जो है वो ऑलवेज कंजर्व रहता है, यानी मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व थ्रू आउट द कोलिजन। बिफोर कोलिजन जितना है, ड्यूरिंग कोलिजन जितना है,
आफ्टर कोलिजन जो है वो सब क्या होंगे, इक्वल होंगे। किसका? मोमेंटम सिस्टम का। ठीक है, ये सारी बातें प्रीवियस डिस्कस लेक्चर में हो चुकी है। तो क्या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कराया है, तो m1u1 प्लस m2u2 ये टोटल मोमेंटम हो गया बिफोर कोलिजन, इक्वल होना चाहिए टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, यानी m1v1 प्लस m2v2, इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। आप देखो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से हमें क्या निकालना है, v1 और v2 निकालने हैं। तो इक्वेशन 1 से हम क्या करेंगे, v2 की वैल्यू निकालते हैं और इक्वेशन 2 में v2 की जगह पर फिट कर देते हैं। तो ये प्रोसेस करते हैं, यहाँ से देखो v2 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से v2 इज इक्वल टू आ जाएगा u1 माइनस u2 प्लस v1। तो ये वैल्यू क्या करते हैं, यहाँ रखते हैं। जब यहाँ रखेंगे तो हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, इसीलिए अगर पूरी पूरा बोर्ड दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो v2 की वैल्यू ये वाली यहाँ रख रहे हैं तो हमारे पास मिल जाएगा u1 माइनस u2 प्लस v1। अब हम क्या करते हैं, v1 यहाँ दिख रहा है और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो v1 यहाँ दिखेगा। फिर हमारे पास आ जाएगा यहाँ से m1v1 प्लस m2v1 ये वाला, और इनको एग्रेड करिए प्लस m2u1 माइनस m2u2, और इधर क्या है आपका मिसमैच। तो यहाँ से ये वाले टर्म हम इधर भेज रहे हैं और इसमें से v1 को आउट कर रहे हैं क्योंकि हमें v1 फाइंड आउट करना है। तो यहाँ देखो मिल जाएगा m1, ठीक है, और माइनस का m2 और u1, प्लस का m2u2, और ये वाला भी प्लस का आ जाएगा m2u2 यानी 2 टाइम्स प्लस का m2u2, और इस इक्वल टू क्या हुआ, यहाँ इतना बचा, इसमें से v1 कॉमन ले लें, ये m1 प्लस m2 और v1। क्या यहाँ से v1 मिल गया, यहाँ से v1 मिल गया, हमने v1 इधर ले लिया हमने, तो v1 मिल गया m1 माइनस m2u1 अपॉन m1 प्लस m2 और प्लस 2 टाइम्स m2 अपॉन m1 प्लस m2 और m2 क्या था u2। तो ये फार्मूला मैंने लिया डायरेक्ट कि आफ्टर, अगर बिफोर कोलिजन u1 u2 वेलोसिटीज है m1 m2 मास वाले पार्टिकल्स की, तो आफ्टर कोलिजन m1 मास वाले पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ये डायरेक्ट फार्मूला मिल गया, यहाँ से हम डायरेक्टली क्या है कैलकुलेट कर सकते हैं। v1 मिल गया तो क्या सिमिलरली v2 हम लिख सकते हैं, v2 भी हम सिमिलरली लिख लेंगे, इनमें जो 1 सफिक्स जहाँ लगा वहाँ 2 लगा देते हैं, v2 मिल जाएगा। तो क्या हम कह रहे हैं कि सिमिलरली v2 हमें दिख जाएगा, तो पूरा फार्मूला दिख रहा है वैसे सभी को राइट दिख रहा है। तो क्या हम v2 लिख सकते हैं, यहीं पर हम v2 लिख देते हैं, v2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, डायरेक्ट फार्मूला देखिए v2 कितना हो जाएगा आपका, तो v2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिएगा, 1 की जगह 2, 2 की जगह 1 लगा दीजिए, तो v2 हो जाएगा आपका m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2, जो कि प्लस है, तो m2 लिखें या m1 पहले लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस होता तो फर्क पड़ता, इंटू u2 कर देंगे, ठीक है, प्लस 2 m2 था तो यहाँ m1 कर दें, यहाँ पर क्या m1 प्लस m2 और यहाँ पर u1, तो ये v2 के लिए फार्मूला मिल गया, ठीक है। तो ये v1 और v2 का फार्मूला हमें डायरेक्टली मिल गया, जिसकी सहायता से हम आफ्टर कोलिजन डायरेक्टली इस फार्मूले में वैल्यू रख करके हम वेलोसिटी इस पार्टिकल की कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। इनको हम इक्वेशन नंबर दे दें 3 और इसको इक्वेशन नंबर दे दें 4, क्योंकि 1 और 2 अभी ऊपर दे चुके। अब देखो कुछ स्पेशल केस हैं, उन केसेस में हम क्या है डिस्कस कर लें कि v1 और v2 क्या हो जाएगी अगर u1 और u2 हमें पता, ठीक है। तो ये बातें नोट कर लीजिए, फिर बोर्ड से हटाते हैं ये बातें और डिस्कस करते हैं कुछ केस। नोट कर लिया होगा, ठीक है, ये हटा रहे हैं। अब केस डिस्कस कर रहे हैं आपका, पहला केस है कि अगर दोनों मास इक्वल हो जाए, दोनों मास क्या हो जाए इक्वल हो जाए तो कहानी क्या होगी। अगर हम कहते हैं कि इफ केस फर्स्ट हमारा है इफ m1 इज इक्वल टू m2, तो देखो m1 इज इक्वल टू m2 जैसे ही होगा तो देखो ये टर्म कैंसिल हो गया, जीरो हो गया, तो v1 किसके बराबर हो जाएगा, v1 हो जाएगा u2 के बराबर, यहां से देखो ये टर्म जीरो हो गया, कैंसिल हो गया, और
और यहाँ टू एम टू, यहाँ पे क्या है टू एम टू हो जाएगा, और ये कैंसिल हो गया वन बचा, ये क्या है यू टू, यानी इस केस में हम कहें फ्रॉम इक्वेशन थ्री हमें मिल रहा होगा वी वन इज इक्वल टू यू टू, और फ्रॉम इक्वेशन फोर देखो ये जब बेकार हो गया क्योंकि एम वन एम टू बराबर है जीरो हो गया, तो वी टू इज इक्वल टू क्या होगा यू वन, यानी वी टू इज इक्वल टू यू वन। तो जब मासेस इक्वल होते हैं दोनों पार्टिकल के तो आफ्टर कोलिजन उन पार्टिकल की वेलोसिटी एक्सचेंज हो गई। देखो जो कोलिजन से पहले वन नंबर पार्टिकल की थी, आफ्टर कोलिजन वो टू नंबर की पार्टिकल की हो गई, और जो कोलिजन से पहले टू नंबर वाले पार्टिकल की वेलोसिटी थी, आफ्टर कोलिजन वो वन नंबर वाले पार्टिकल की वेलोसिटी हो गई। यानी जब कोलिजन करने वाले पार्टिकल के मासेस इक्वल होंगे तो आफ्टर कोलिजन उनकी वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाएंगी। नोट कर लीजिए इस बात, ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर अगला केस लेते हैं, केस सेकंड। ठीक है, तो केस सेकंड में देखो क्या होगा, केस सेकंड में M1 बहुत बड़ा ले लेते हैं M2 से, ठीक है, यानी हमने कहा कि M1 जो है वो मच मोर ग्रेटर देन M2 है, और M2 जो है वो एट रेस्ट है। M1 M2 से बहुत बड़ा ले लिया सेकेंड केस में, और M2 को हमने रेस्ट में ले लिया। तो देखो M2 रेस्ट में है, तो रेस्ट का मतलब हो गया कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो, और M2 वाले पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी थी कितनी U2। तो इन इक्वेशंस में जहाँ जहाँ U2 दिख रहा है वो टर्म कैंसिल हो गए, जहाँ जहाँ U2 दिख रहा है वो टर्म कैंसिल हो गए। अब हमारे पास V1 के लिए ये बचा, V2 के लिए M2 क्या है, बहुत बड़ा M1 से है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि M1 माइनस M2 लगभग बराबर कितना होता होगा M1, और M1 प्लस M2 भी किसके बराबर होगा M1, ठीक है, ठीक है। M1 प्लस M2 किसके बराबर है आपका M1 के, क्योंकि M1 बहुत बड़ा है, और M1 माइनस M2 किसके बराबर होगा, ये भी किसके बराबर होगा M1 के बराबर, ठीक है। यहाँ पर हम एक काम कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं, M2 को मान लेते हैं बहुत बड़ा है M1 से, और M2 कहाँ है रेस्ट में, ठीक है। तो थोड़ा सा फिजिकल लाइफ से जो रिलेटेड है वो आपको देखने लगेगा। M2 अगर हम कहें M1 से बहुत बड़ा है, M1 माइनस M2 क्या होगा, ये माइनस M2 के बराबर होगा, और M1 प्लस M2 किसके बराबर होगा, M2 के बराबर होगा। तो इक्वेशन नंबर थ्री है हमारे पास जो इतनी बची हुई है, यहाँ से देखो ये हो गया माइनस M1, ये हो गया M1, ये हो गया माइनस M2, और ये बचा जाना M2, तो क्या ये वन हो जाएगा माइनस का, यानी इस केस में इक्वेशन नंबर जो थ्री इस समय बची हुई है वहाँ से V1 इक्वल टू हो जाएगा माइनस M1, और इक्वेशन नंबर फोर से देखो जो V2 है वो हो जाएगा अप्रॉक्सिमेट जीरो, क्योंकि M2 बहुत बड़ा है, M1 बहुत छोटा है, तो बहुत छोटा अपान बहुत बड़ा टेंडिंग टू जीरो, तो ये क्या हो जाएगा आपका V2 क्या हो गया जीरो। यानी जैसे बॉल है आपका, जब बॉल हम फेंकते हैं दीवार पे, तो दीवार क्या है आपका रेस्ट में, और दीवार का मास जो है बॉल के मास से क्या होगा बहुत ज़्यादा होगा, तो जितनी तेज़ी से हम बॉल फेंकते हैं उतनी तेज़ी से बॉल वापस आती है, यानी आफ्टर कोलिजन बॉल की वेलोसिटी उतनी ही रहती है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है, और बॉल जो है वो रेस्ट में था, तो V2 भी क्या है जीरो, ठीक है। ये हुआ सेकंड केस, एक केस हम और लेते हैं, थर्ड केस हटा दें, नोट कर लीजिए जल्दी से, इन बातों को नोट जरूर बनाते रहिएगा, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर है कोलिजन का नहीं देखा है तो वो भी जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, बेसिक चीजें और क्लियर हो जाएंगी। यहां से हटा दें, अब देखो यहां पर क्या है, अगला केस ले रहे हैं हम कि M2 क्या है रेस्ट में, और M2 इस बार बहुत छोटा है, यानी इस बार क्या है आपका जो M2 है वो मच मोर लेस देन M1, इस बार क्या है हमारा M1 बहुत बड़ा हो गया है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, M1 बहुत बड़ा है तो क्या देखो ये जो ब्रैकेट है ये M1 के बराबर होगा, और ये वाला ब्रैकेट भी क्या होगा M1 के बराबर होगा। यानी हमारे पास इक्वेशन नंबर थ्री से हम देखें तो V1 इज इक्वल टू U1 मिल गया, ये वन हो गया, ये M1 है, ये M1 है, वन हो गया, V1 कितना मिल गया U1।
फिर इक्वेशन नंबर 4 से देखें तो क्या हमें मिलेगा, v2 इज इक्वल टू, देखो देखो यहां पर ये क्या है m1 है और ये भी क्या है m1 के बराबर है, तो m1 m1 कैंसिल 2 टाइम्स u1, तो v2 मिल गया 2 टाइम्स u1। इसका भी फिजिकली देख सकते हैं आप, फिजिकल लाइफ में मान लीजिए आप रोड पे खड़े हुए सड़क पे और बहुत तेजी से कार आ रही है और वो कार आपको टक्कर मारी, तो कार जो आ रही मोशन में है वो मास क्या है बहुत ज्यादा है, और जो आप खड़े हुए हैं वो रेस्ट में जो है वो मास क्या है कम है कार की तुलना में, तो आपका वेग कार के वेग का दोगुना हो जाएगा आफ्टर कोलिजन और कार उसी वेग से चलती रहेगी। तो ये फिजिकली आपका जो जनरल लाइफ में वहाँ से देख सकते हैं जो है एक्सपीरियंस ले सकते हैं, एक्सपीरियंस लेना नहीं है आपको, खड़ा नहीं होना सड़क पे, ये मन के आंखों से आप ले सकते हैं। तो यानी अगर जो रेस्ट में है वो बहुत कम मास है मूविंग वाले मास से तुलना में, तो आफ्टर कोलिजन मूविंग जो ऑब्जेक्ट था उसकी वेलोसिटी वही रहती है जो बिफोर कोलिजन है, और जो रेस्ट में था उसकी वेलोसिटी मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के दोगुने के बराबर हो जाती है आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो इतनी बातें आप आज नोट कर लीजिए और इसके आगे की बातें नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है।